बैरकपुर के भाजपा उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने बुधवार को गाजे बाजे के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी भी उनका उत्साहवर्धन करते दिखे। आइए जानते हैं कि इस मौके पर उन्होंने क्या कहा। प्रधानमंत्री का है, पश्चिम बंगाल का कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है आप बताएं, किसी से पूछे। जब प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है और कैंडिडेट देश में एक ही है, नरेंद्र मोदी, दूसरा कोई है नहीं। दूसरे लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी को हटाने में लगे हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं गरीबी हटाओ, बाकी लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को हटाओ। वो कहते हैं आतंकवाद को मिटाओ, बाकी लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी को मिटाओ। वो कहते हैं कि गरीबों को खुशियां दो, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को ही मिटाओ। तो ये चुनाव ही ऐसा है कि दूसरे को वोट देना मतलब वोट खराब करना। अब देखिए दीदी के बारे में जो इसमें पश्चिम बंगाल कह रहा है, अब देखिए किसी भी, अब तो रिश्ते में उनके साथ चल के आए रोड शो में, बस वाला बोल रहा है जय श्री राम, भारत माता की जय, रिक्शा वाला भारत माता की जय, जय श्री राम। तो कोई दुकान पे खड़ा है इनको अर्जुन दा जय श्री राम। तो मैंने तो वो देख लिया है, अब दीदी सिर्फ बोलती रह जाएंगी और पश्चिम बंगाल नरेंद्र मोदी के साथ भारत की सौभाग्य यात्रा पर निकल जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल सामने तौर पर ना तो आछे सब बूथे केंद्रीय बाहिनी के द्वारा जना पश्चिम बंगला ममता बनर्जी एकटाई काज करछे निजेर पुलिस बाहिनी के लिए जाते वोट ना होए और सब व्यवस्था करार दिन। आज के जेदिन थी के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेछे आज के 26 दिन हलो, आमी 26 दिन मध्ये शुधु आमार उपरे 19टा मामला उनी दिएछेन, आमार उनी सभानेत्री आछेन, इनके आर्म्स केस देवा हुआ है। আপনি বুঝতে পারছেন একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা সভানেত্রীর সঙ্গে কি ব্যবহার করতে পারেন, একজন মহিলাকে বলছেন উনি আর্মস নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখুন মানুষের চাহিদা আছে যে সুষ্ঠু শান্তভাবে ভোট যদি করাতে হয় ইলেকশন কমিশনকে, কেন ইলেকশন কমিশনের দায়িত্ব আছে। ইলেকশন কমিশন হয়তো জানে না কি পশ্চিমবাংলা কীভাবে মমতা ব্যানার্জি দলের লোকেরা পুলিশকে সাহায্য নিয়ে, লোকাল পুলিশকে সাহায্য নিয়ে রিগিং করবে। কিন্তু আমি একটু বলবো, 100 MLA পাঁচিলের উপরে দাঁড়িয়ে আছে, ভোটের আগে আর ভোটের পরে তারা জাম্প করে চলে আসবে।